दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले भाग में आप डिस्को फिट करना सीख चुके हैं। इस भाग में आपको हम डिस्को लगाना सिखाएंगे कि आप डिस्को प्रॉपर तरीके से कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक छत के ऊपर होल करेंगे। फ्रेंड्स आपको कोशिश करनी है कि आप डिस्को छत के ऊपर ना लगाएं, इसे हमेशा दीवार पर ही लगाने की कोशिश करें। मैं हमेशा ही डिस्को दीवार पर लगाता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई वाल नहीं है, इसलिए मैं मुझे मजबूरी में छत के ऊपर लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने ये होल कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इस भेस को इस होल के ऊपर रखेंगे और हमें चारों होल्स में मार्क लगा लेना है। दोस्तों कोशिश आपको ये करनी है कि आपका मास्ट हमेशा 90 डिग्री एंगल पे बना रहे। दोस्तों मैंने मार्क लगा दिया है, अब एक एक करके हम चारों होल्स को कर लेंगे। दोस्तों होल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो होल हैं वो अधिक गहरे ना होने पाए, केवल स्क्रू से 2 या 3 mm ही अधिक होना चाहिए। दोस्तों मैंने चारों होल कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्रू डाल करके चेक कर लेंगे कि हमारा होल कम तो नहीं है। दोस्तों अगर होल आपका कम होगा तो जब आप डिस्को टाइट करेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होगा, और अधिक टाइट करने पे आपका स्क्रू टूट जाएगा। दोस्तों अगर आपका होल कम है तो इसे आप ड्रिल करके थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर तरीके से होल करने के बाद में हम इसमें नायलॉन प्लग डालेंगे, इसको हम गुल्ली भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस गुल्ली को हम डाल करके इसमें ठोक देंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी गुल्ली लूज नहीं होनी चाहिए। अगर लूज फ्रेंड्स आपकी गुल्ली हो जाती है तो आपको क्या करना है, केबल टाई लेना है और उसको काट करके उसके साइड में डाल देना है, जिससे आपका नायलॉन प्लग टाइट हो जाए। दोस्तों नायलॉन प्लग को अच्छी तरह फिक्स करने के बाद में आपको इसमें स्क्रू डाल के इसको टाइट कर देना होगा। दोस्तों कोशिश करें कि टाइट करने के लिए आप टी रिंच का प्रयोग करें, क्योंकि इस रिंच से आप बहुत आसानी से डिस्को फिक्स कर सकते हैं और ये अच्छी तरह से दोस्तों टाइट हो जाती है। दोस्तों अगर इस तरह से आप डिस्क लगाएंगे तो वर्षा या आंधी तूफान में आपकी डिस्क इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगी। दोस्तों हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके ऊपर रिफ्लेक्टर रख करके इसके नट्स को हल्का हल्का इस तरह से टाइट कर देंगे कि आसानी से मूवमेंट कर सके। फ्रेंड्स अब हम LMB आर्म में LMB को लगा देंगे। दोस्तों इसक्यू एंगल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स एयरटेल डिश टीवी का इसक्यू एंगल जो होता है ये आपका 45 से 50 के बीच में रहता है। तो दोस्तों इसको अगर आप सेट अच्छी तरह से कर देंगे तो आपके कोई भी चैनल मिस नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपका सिग्नल आएगा। दोस्तों जब आपकी LME सेट हो जाए तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम केबल में कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर लगाने का ये टूल है जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी सहायता से हम केबल को स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद में दोस्तों इसके जितने भी वायर हैं इनको हमें सेंट्रल वायर जो है हमारा उससे एक एक करके हमें अलग कर देना होगा। सेंटर वायर में ये बिल्कुल ही टच नहीं होना चाहिए, अगर दोस्तों टच हो जाता है तो हमारा डिस वर्क नहीं करेगा और हमारा सेटअप बॉक्स भी खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ये कनेक्टर लगा देते हैं। कनेक्टर लगाने के बाद में दोस्तों इसको हम कंप्रेशन टूल से कंप्रेस कर देंगे ताकि ये बाहर निकल ना सके और अच्छी तरह से लॉक हो जाए। दोस्तों इस तरह से हमारा ये डिस कंप्लीट होती है। अब हम इसको सेटेलाइट मीटर, जो हमारा सेट फाइंडर है कांटे वाला मीटर, इससे हम कनेक्ट कर देंगे
और दोस्तों आपको दिखाएंगे हम कि सेट फाइंडर से किस तरह हम डिस्क को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए।